बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस को सीएम भूपेश बघेल के चेहरे पर भरोसा है और विधानसभा चुनाव उसी के सहारे लड़ने को तैयार है, तो वहीं बीजेपी इस बार बिना किसी चेहरे के सहारे सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। सूत्रों की माने तो दिल्ली में हुई कोर कमेटी की बैठक में पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी किसी को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करेगी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बिना चेहरे के बीजेपी कैसे कांग्रेस के भरोसेमंद सेनापति भूपेश बघेल का मुकाबला कर पाएगी और आखिर बीजेपी को यह फैसला क्यों लेना पड़ा और क्या होगा रमन सिंह के चेहरे का, उनके भविष्य का, सियासी भविष्य को लेकर के भी करेंगे बात। इसी पर आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि जो कोर कमेटी की बैठक हुई है कल छत्तीसगढ़ में, उसमें यह कहा जा रहा है, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि साफ तौर पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर के आगे बढ़ने पर बात बनी है, सहमति बनी है और छत्तीसगढ़ में जो मन लगभग बना लिया था संगठन ने कि बिना किसी व्यक्ति को सीएम पद का कैंडिडेट बताए, यानी कि सिर्फ फूल के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में तय किया जाएगा कि कौन होगा सीएम पद का चेहरा, इसे लेकर के आज पूरे दिन भर कयासों के दौर चलते रहे और इन कयासों को बल तब और मिल गया जब रमन सिंह की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से हुई है। एक तस्वीर बाहर आई जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। पिछले दिनों अमित शाह जी से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से मुलाकात, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ तो अंदर खाने में पकड़ा है जो निकट भविष्य में सामने आएगा और कुछ तो परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी के बोलते बोलते आपने देखा होगा कि हल्की सी हंसी भी उनकी तरफ से आई कि कुछ तो परिवर्तन के संकेत दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई में परिवर्तन के संकेत हैं और अगर ऐसा है तो बीजेपी को ये फैसला क्यों लेना पड़ रहा है, इस पर बात करें। उससे पहले वो सवाल जो सवाल लेकर के आज हम इस डिबेट में आए हैं आपको सवाल दिखाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, बिना चेहरे चुनावी सबर में बीजेपी, बघेल संभालेंगे कांग्रेस की कमान, बिना सेनापति बीजेपी कैसे जीतेगी मैदान, लगातार हार से नाराज आला कमान, आर पार की जंग का सुनाया फरमान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बघेल पर एतवार, कौन लगाएगा बीजेपी की नैया पार, बिना सेनापति चुनाव लड़ना बहुत आसान होता नहीं है और छत्तीसगढ़ में जहां तीन तीन बार यानी कि 15 साल तक प्रदेश का पार्टी का नेतृत्व करने वाले रमन सिंह जैसा बहुत ही अनुभवी चेहरा है उससे दरकिनार कर पार्टी को यह बड़ा और कड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कृषक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, बहुत बहुत छत्तीसगढ़ कृषक कांग्रेस के अध्यक्ष है, स्वागत करता हूं सुरेंद्र जी आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता विधायक रजनीश सिंह जी जुड़ चुके हैं, रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उधर रुद्र अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, रुद्र जी आपका बहुत स्वागत हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आज आता हूं रुद्र जी से शुरुआत करूंगा। रुद्र जी, ये जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं सूत्रों से, दिल्ली से हमारे सूत्र जो बता रहे हैं और उसके बाद जो जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल भी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब जो इशारा लगातार पार्टी की प्रभारी पुरंदेश्वरी जी देती रहीं कि हम हमारे लिए सीएम पद का कोई चेहरा नहीं है, वो अब उस पर औपचारिक मोहर लगा दी गई है? जी अभिलाष जी, तो ये तो साफ संकेत है और आपने जैसा कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रभारी बदले जाने के बाद डी पुरंदेश्वरी जी ने जितनी बार भी छत्तीसगढ़ में यह सवाल उठा कि क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसके चेहरे को लेकर सामने जाएगी, तो उन्होंने भी उस समय कह दिया था स्पष्ट रूप से कि इस बार वो कमल निशान पर ही चुनाव लड़ेगी। और ये जो आपके सूत्रों की जो खबर है अगर वो सही है तो निश्चित रूप से तो मुहर इस बात पर लग गई है और ये चीज भी दिख रही है पिछले कुछ समय से कि बीजेपी में मेरी समझ में इस बात का भी मंथन हो रहा है कि पूरे देश भर में जिस तरह का माहौल है, कई चुनाव जीत रही है बीजेपी लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार जो चुनाव में हार मिलती रही है बीजेपी को, इसकी वजह आखिर क्या है और 15 साल तक सरकार चलाने के बाद 2018 के चुनाव में बीजेपी जो 15 सीट पर ही सिमट कर रह गई, तो इस पे एक पहलू इसका यह भी है कि सिर्फ सीएम का चेहरा नहीं, मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के दिल्ली के नेतृत्व को यह बात भी समझ में आई होगी कि ये जो 15 चेहरे भी लगातार छत्तीसगढ़ में 15 साल से चर्चित रहे हैं, सामने रहे हैं, शायद उसमें भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बार डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री के फेस के रूप में सामने
नहीं रखा है ये मुझे लगता है। इसलिए इस बात के भी संकेत माने जाने चाहिए कि आने वाले समय में बीजेपी जब भी चुनाव मैदान में उतरेगी तो जो परंपरागत चेहरे सामने रहते थे बीजेपी के उसमें भी बदलाव दिखेगा और नए चेहरे चुनाव मैदान में आपको विधायक के उम्मीदवार के रूप में दिखाई देंगे। ये मुझे इसके आगे की भी कड़ी दिखाई देती है ऐसा मुझे लगता है। ठीक है रजनीश जी, आज के सवाल आपके लिए मुश्किल जरूर होंगे लेकिन मैं जानना चाहता हूं रजनीश जी कि इतनी बड़ी पार्टी और 15 साल तक सीएम पद पर रहने वाले रमन सिंह जी के को लेकर के जो जानकारियां निकलकर बाहर आ रही हैं आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? देखिए अभिलाष जी आपके सूत्र क्या है नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ इसलिए जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हम छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर के डॉक्टर रमन सिंह जी का भविष्य बहुत उज्जवल रहा है। 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस यदि कुछ सीट खुशफहमी में है तो रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया जी का बयान सुन रहा था कि अंदर अंदर कुछ पक रहा है, परिवर्तन के संकेत हैं। निश्चित रूप से पक नहीं रहा है, पक चुका है और परिवर्तन नहीं महापरिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ठान के बैठा है कि 2023 के चुनाव में सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे और सत्ता से बेदखल हम कोई इसमें नहीं कह रहे हैं कि हमको बहुत घमंड है। हम इनके कार्यकलापों को देखकर जो घोषणाएं इन्होंने की है, जो इनके क्रियाकलाप है, जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। इस आधार पर कह रहे हैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कठिनाई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का आप कहीं भी राज्य में चुनाव देखे, ठीक है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व में कई जगह स्थानों पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर या मुख्यमंत्री को पहले से घोषित करके चुनाव लड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, अधिकांश राज्य ऐसे जहां बिना हम घोषणा किए चुनाव लड़े हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। 2003 में भी हम बिना किसी चेहरे के लड़े थे और ये बता दें कांग्रेस वाले कि 2018 में किसके चेहरे पर लड़े थे और 2023 में भी अभिलाष जी 2023 में भी अभी हमारे आदरणीय बहुत ही आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, वो ये डंके की चोट पर कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल सकते कि किसके नेतृत्व पे लड़ेंगे। पहले तो इन्हीं के ऊपर बड़ा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हम चुनाव लड़ते आए हैं, लड़ेंगे। अभी तो कांग्रेस ही मुश्किल में है कि किसके कहने पर लड़ेगा। एक महीने बाद पता लगा कि फिर शुरू हो गया है, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई विधायकों का परेड करा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट एकता के साथ चुनाव लड़ने के लिए। देखिए रजनीश जी, हमने तो कहा ही नहीं कि बीजेपी को दिक्कत है, हमने तो सिर्फ इतना पूछा कि क्या रमन सिंह जी जितना अनुभवी कोई बीजेपी का और नेता है जो सोचना पड़ रहा है, और अगर पार्टी को सोचना पड़ रहा है, और ये हमारे सूत्रों ने नहीं कहा था। देखिए ये पूरी जो कवायद शुरू हुई थी ये पुरंदेश्वरी जी के बयान से शुरू हुई थी, जिसको लेकर के और चीजें कुछ और आगे बढ़ी हैं। तो ये सूत्र ही नहीं बल्कि आपके कुछ जो पदाधिकारी हैं वो ये बात कह चुके हैं। तो अगर इतने सीनियर लीडर को दरकिनार कर पार्टी को सोचना पड़ रहा है कि चेहरा नहीं होगा कोई, तो कोई तो कारण होगा ना उसके पीछे। अभिलाष जी मैंने पहले ही कहा कि आदरणीय रमन सिंह जी 15 साल इस राज्य का नेतृत्व किए हैं, कहां से कहां ले जाए हैं। यदि भारत के राजनीति के इतिहास में यदि हम एक बार दृश्य डालें, एक बार विश्लेषण करें, तो ऐसे कितने राज्य हैं और कितने मुख्यमंत्री हैं जो 15 साल लगातार मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल कुछ गिने चुने चेहरे हमारे सामने आएंगे इस राजनीतिक लोकतंत्र के इतिहास में। इसलिए माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में भी और राष्ट्रीय स्तर में भी हमारे प्रभावी नेता हैं, वो उनका मार्गदर्शन उनका सब चीज मिलेगा। ये जो बात जो चल रही है ना, बिल्कुल ये निराधार बातें हैं। उनका मार्गदर्शन उनका नेतृत्व छत्तीसगढ़ को हमेशा मिलता रहा है, मिलेगा। ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, नेतृत्व मिलता रहेगा, लेकिन चेहरे को लेकर के आप कोई कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि पदाधिकारियों ने कह दिया, आलाकमान ने संकेत दे दिए हैं। तो क्या कहेंगे, कांग्रेस कैसे देख रही है और कितना आपको फील गुड हो रहा है रमन सिंह जी अगर चेहरे नहीं होते हैं तो आपके फेवर में चीजें जा रही है या इससे चुनौती बढ़ जाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली बात ये है, हमारे भाई रजनीश जी ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी का मार्गदर्शन मिलता है। ये जो मार्गदर्शन सब है ना ये राजनीति में भाग पड़ता है। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी मार्गदर्शक है, जोशी जी मार्गदर्शक है, बेचारे मार्ग देखते रहते हैं,
मार्गदर्शन नेतृत्व दोनों सुरेंद्र जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा जरा उसे ठीक करेंगे पीसीआर। मार्गदर्शन नेतृत्व दोनों को लेने की प्रतीक्षा में नेतृत्व आडवाणी जी बेचारे प्रतीक्षा करते रहते हैं, जोशी जी प्रतीक्षा करते रहते हैं, मगर उनसे मार्गदर्शन लेने कोई आता नहीं है। तो राजनीति में अगर किसी को खारिज करना होता है ना अभिलाष जी, हाँ। तो अक्सर कहा जाता है कि हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे वरिष्ठ हैं और इनके इनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। हाँ। दरअसल में देखिए एक बात है, ये इस बात को रजनीश जी स्वीकार करें ना करें, मगर 2018 के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी वास्तविक में जो ऐतिहासिक उनका 15 साल था वो इतिहास के गर्त में चला गया है। लगातार जिन चुनाव जो चुनाव हुए हैं वो डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हुए और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पराजय हुई, स्थानीय चुनाव से लेकर उप चुनाव में जिस तरह से लगातार पिछड़ती चली गई भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में चिंता होना एकदम स्वाभाविक बात है। और उसका दरअसल उनके पास दिक्कत ये है, ऐसा कोई चेहरा है नहीं जो माननीय भूपेश बघेल के सामने टिक सके, भारतीय जनता पार्टी के सामने। आज ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है और पूरे छत्तीसगढ़ में तो भाई काका अभी जिंदा है और भूपेश है तो भरोसा है, इन नारों से छत्तीसगढ़ गूंज रहा है। और जो उन्होंने पिछले 3.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनभावना के अनुरूप छत्तीसगढ़िया लोगों के अरमानों को पूरा करने की दिशा में जिस से उन्होंने काम किया है, तो मैं ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि देश में चाहे जो भी स्थिति हो मगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है, बड़ी समस्या है। एक तो उनके सामने नेतृत्व की समस्या है, दूसरी बात मुद्दों की समस्या है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में खिचड़ी तो जरूर पक रही होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है। लेकिन सुरेंद्र जी आप वो सवाल टाल गए, देखिए रजनीश जी का उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर पूछा था कि क्या आप दावा कर सकते हैं कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? नहीं भाई, ये देखिए इसके लिए मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ, मगर मैंने आपको जवाब तो दिया ना कि काका अभी जिंदा है के नारे लग रहे हैं और भूपेश है तो भरोसा आप भी है, सेफ, आप भी सेफ खेल ले रहे हैं। देखिए सुरेंद्र जी, और जब दूसरा यही बात कहता है कि हमारा आलाकमान तय कर लेगा, जब करना होगा वक्त आएगा, तो हमारे नेता दिक्कत है, हमारे नेता भूपेश बघेल है, उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अभी चल रही है और आमतौर पर यह परंपरा रही है। डॉक्टर रमन सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद फिर उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, ऐसा मेरा पूरा पूरा विश्वास है। अच्छा, आपका विश्वास है, ठीक है। चलिए मैं आता हूँ रुद्र जी के पास। रुद्र जी, अब ये माना जाए कि देखिए दोनों ही पार्टियों के और बहुत वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, तो जाहिर सी बात है वो समझते हैं कि क्या किस चीज के बोलने से क्या मायने निकल सकते हैं, तो पार्टियां जो हैं वो फिलहाल अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में विकल्प क्या है? अगर रमन सिंह जी को पीछे रख करके चुनाव लड़ भी लिया जाता है तो क्या इससे फायदा होगा, या कम से कम एक नया चेहरा प्रोजेक्ट करके बीजेपी आगे बढ़े ताकि लोगों को पता हो, स्थिति साफ हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति अभी तक फिलहाल बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है, तो क्या बेहतर होगा? आपका अनुभव क्या कहता है, चेहरा लेकर के जाएं या चेहरे के बिना ही लड़ा जाए? अभिलाष जी, थोड़ा सा पीछे अगर लौटे, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2003 में 2008 2013 और 2018 चुनाव हुए हैं। आप सभी चुनाव के नतीजों को देखिए तो 2018 का चुनाव जो है वो पिछले कई चुनावों से बहुत अलग था, इस मायने में भी अलग था कि कांग्रेस और 3, 8 और 13 को देख लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो परसेंटेज है वो 1 से 10% के बीच के अंतर का रहता था। लेकिन 2018 का चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस 10% अधिक सीटें वोट लेकर सरकार बनाई और एक बड़ा पहली बार इतना बड़ा अंतर दिखाई दिया और उस समय जो भी कांग्रेस थी वो 7.6% वोट मिले थे। तो ये जो पिछले चुनावों का जो परसेंटेज था, वोट परसेंटेज, वो शिफ्ट हुआ था जनता कांग्रेस की तरफ, बीजेपी का ये बड़ा नुकसान हुआ था। अब देखिएगा उसके बाद आज, इसीलिए बड़ी चुनौती है। उस समय देखिए पिछला जो 2018 का चुनाव था, आम लोगों के बीच जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा जो माना गया वो किसानों का मुद्दा था, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल ने जिस तरह से छत्तीसगढ़िया कल्चर जिस बात की का जिक्र सुरेंद्र जी ने किया है, तो वो उसको लगातार आगे करते रहे हैं। वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये सब को देखते हुए उनके मुकाबले में ऐसा ही नेता सामने रखना पड़ेगा। ये बीजेपी के लिए एक चयन करने के लिए कभी बड़ी चुनौती है, जिम्मेदारी है बीजेपी के सामने। इसलिए
अभी वो ये शायद सेफ तरीके से चलना चाह रही है कि हम कोई नेतृत्व तो सामने नहीं रख रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व तो रहेगा और उसके बाद हम जो भी चुनाव में नतीजे आएंगे उसके बाद निर्णय कर लेंगे। अब इस स्थिति में आज जब यदि लगातार यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के अनुसार ही उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी आगे चलती रही है, बाकी पदों पर उनके लोग ही अब तक खासतौर पर मनोनीत होते रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर कोई ओबीसी चेहरे की तलाश बीजेपी कर रही है और उसको लग रहा है कि हम ये बात लोगों के मतदाताओं के सामने रखें कि हमारे पास भी ऐसे नेता हैं, तो उसमें कई नाम हो सकते हैं, मैं नामों का जिक्र यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन बीजेपी इस चीज को लेकर ही मंथन कर रही है और उसने अंत में यही निर्णय इसी दृष्टिकोण से शायद सुरक्षित तरीके से लिया है कि हम किसी के नेतृत्व को सामने नहीं रखेंगे। अब लेकिन इससे ये तो हम लगातार चुनावों में देख रहे हैं, रजनीश जी का कहना था कि कई प्रदेशों में बहुत बिना नेतृत्व के भी चुनाव होता है, किसी को आगे किए बिना भी होता है, ऐसा यहाँ भी हो सकता है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बात को तो एक मतदाताओं के बीच तो इसका संदेश तो जाएगा कि बीजेपी भी आखिर कोई चेहरा सामने क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, ये भी उसके लिए एक समय में चुनौती होगी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है रजनीश जी, आप तो देखिए खुद जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी भी वोटर के लिए चुनना आसान होता है जब उसे पता होता है कि मेरे प्रदेश का इस पार्टी को मैं वोट दे रहा हूं और मेरा लीडर ये होगा, तो ये एक फील ऑफ कंफर्टेबिलिटी जो है वो ला करके देता है वोटर को, तो ये अधिकार आपको लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा तो ये बीजेपी के फेवर में जाएगा, बजाय कि इसके कि क्योंकि हर आदमी को कोई जरूरी तो नहीं कि बीजेपी का हर चेहरा पसंद हो और उसे कयास लगेंगे कि मैं वोट तो बीजेपी को दे रहा हूं, पता नहीं सीएम एक्स बनेंगे कि वाई बनेंगे कि जेड बनेंगे, तो ये इस असमंजस में वोटर्स को रखना आपको ठीक रणनीति लगती है? नहीं, देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है इसमें बिल्कुल ये बातें जनता तक नहीं जाती है, बल्कि बीजेपी का जो विश्वास देश के ऊपर है, बीजेपी पार्टी के ऊपर विश्वास है, और यहाँ हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं दिल्ली में हो चाहे राज्यों में, तो बिल्कुल ये विषय नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी किसको नेतृत्व देगी, इसलिए बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ये मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी कई बार रणनीतिक ढंग से यदि लगता है तो किसी चेहरे को आगे करती है, नहीं तो हम इसी प्रकार चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और लड़ेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा तय करेगा, ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एकजुटता से प्रदर्शन जारी है, चालू रहेगा। हमारे शर्मा जी अभी भी जो बात कर रहे हैं कि बहुत लोकप्रिय है, सब अच्छा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, बात इनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, हम लोगों की ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। सुरेंद्र जी, अंतिम 30 सेकंड में आपसे सवाल लूंगा, सर 30 सेकंड बस मेरे पास है। सुरेंद्र जी, भले ही आज प्रदेश बीजेपी कमजोर नजर आती है, लेकिन उसके पीछे जो संगठन खड़ा है, चाहे वो अमित शाह हो, नड्डा जी हो, मोदी जी हो, ये सबसे ज्यादा मजबूत संगठन खड़ा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के चुनाव को आप कैसे देखेंगे 2023 में, बहुत संक्षिप्त में सर? देखिए अभिलाष जी, हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा, हम भी कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं समझ रहे हैं, हम दुश्मन को कमजोर नहीं समझते, पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी एकता के साथ, पूरे मुद्दों के साथ और जनता का विश्वास जीतने में जिस तरह से लगातार कामयाब रहे हैं, इस ध्येय को देख करके कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। और हम बिल्कुल, चाहे रमन सिंह जी रहे चाहे कोई भी रहे, हम भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा चुनौती मानते हैं और चुनौती का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। ठीक है, तो बीजेपी तो चुनौती है ही, लेकिन 5 साल में किस तरह से काम किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, उसका भी पैमाना कसा जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रदेश नेतृत्व को लेकर उहापोह की स्थिति है, क्या किसका चेहरा होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और नहीं होने से क्या नुकसान होगा कि फायदा होगा, सवाल बहुत हैं, पर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आलाकमान ने कह दिया है कोर कमेटी में सीधे तौर पर प्रदेश नेतृत्व को कि अब करो या मरो की स्थिति है, जाइए और सीधे मैदान में नजर आइए। अब देखना है कि बार बार दी जाने वाली इन हिदायतों के बाद प्रदेश में छत्तीसगढ़ का संगठन, छत्तीसगढ़ के नेता कितने सक्रिय नजर आते हैं। अगर आज से मेहनत शुरू करते हैं तो चुनावों के वक्त बहुत जल्दी माहौल बदलता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मुश्किल में थोड़ा सा बीजेपी प्रदेश की लग रही है। अभी कंफर्टेबल जरूर है सीएम भूपेश बघेल, पर सियासत है, कितने दिनों तक रहेंगे कोई नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुरेंद्र शर्मा जी आपका, रंजीश जी आपका और रुद्र अवस्थी जी आपका इस पूरे डिबेट में हिस्सा बनने के लिए, नमस्कार। हमारे दर्शकों को भी शुक्रिया, नमस्कार।